महाशिवरात्रि ला रही है तीन राशियों के लिए खुशियों की सौगात। ऐसे में कटेगा अगला एक महीना बहुत ही खुश। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही आज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। शिवरात्रि से एक दिन पहले यानी बीते कल 7 मार्च को शुक्र ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है। गोचर से कुंभ राशि में शुक्र, सूर्य और शनि की युति से त्रिग्रही योग बना। वहीं मीन राशि में राहु और बुध की युति भी बनी। ऐसे में महाशिवरात्रि पर मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को पारिवारिक आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा। बात करें यदि वृश्चिक राशि की, तो ज्योतिषियों के अनुसार महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शुक्र बुध वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करे हैं। आपको धन में इससे वृद्धि के योग हैं। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। वहीं महाशिवरात्रि पर वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार में आपके सुख और संपत्ति आएगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। पुराने निवेश से आपको अच्छा मुनाफा इस बार मिल सकता है। अगर अब बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के दशम और नवम भाव में शुक्र बुध गोचर कर चुके हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि से अगले दिन एक महीने तक शिक्षा और करियर में आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बने हुए हैं। वहीं व्यापारियों के लिए ये अवधि लाभदायक रहने वाली है। निवेश का मौका शुभ है। परिवार के साथ यात्रा का आनंद आपको मिल सकता है। वहीं धन प्राप्ति के नए स्रोत भी खुलते हुए दिख रहे हैं। अब अगर बात करें तीसरी राशि यानी कुंभ राशि की, तो महाशिवरात्रि से पूर्व कुंभ राशि में पहले भाव में शुक्र प्रवेश कर चुके हैं। वहीं दूसरे भाव में बुध रहने वाले हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार कुंभ राशि वालों के लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही शुभ होगा। भौतिक सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। सैलरी बढ़ने के भी योग हैं। पैसे की बचत करना पाने में आप कामयाब भी होते दिख रहे हैं। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको करियर में भी इस दौरान काफी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।